नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल सावधान। सिरसा अभी भी कोरोना मुक्त नहीं हुआ। जी हां, एक बार फिर से सिरसा में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, मगर ये गांव बड़ी में है। सिरसा में 25 मई को सभी दुकानें खोलने से बाजारों में भीड़ जुटने लगी। ऐसे लगना लगा जैसे सिरसा जिला में कभी भी कोरोना नहीं आएगा, मगर दो दिन के बाद सिरसा के गांव बणी में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब ये जिस गांव और इलाके में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसे 14 दिन तक या फिर 28 दिन तक संपूर्ण रूप से लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। उस क्षेत्र से किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। सिरसा की पांसल कॉलोनी में सबसे पहले 3 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद 1 महीने से अधिक समय तक उन्हें लॉकडाउन में रखा गया। उसके बाद गांव रोड़ी में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। फिर नादेड़ साहब से आए हुए 2 श्रद्धालु डबावाली व लोहगढ़ गांव के पॉजिटिव पाए गए। वहीं दोनों ही गांव को 28 दिन के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन में रहना पड़ा। बाद में सिरसा के शिवनगर, सिरसा के सी ब्लॉक व भादरा बाजार में एक एक मरीज मिला। अब तापमान 47 डिग्री का है और इन तीनों ही क्षेत्रों के लोगों को अनेक दिनों तक क्वारंटाइन की तरह ही लॉकडाउन में रहना पड़ा। लेकिन अब ताज़ा मामला गांव बनी का है, जहां पंचकुला क्षेत्र का एक मरीज पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद वहां की अनेक गलियों को लॉकडाउन कर दिया गया। पूरे बनी गांव में जिसकी आबादी 10,000 से अधिक है उसको बफर जोन बना दिया गया। अब इसके बाद सिरसा के लोगों को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से बाजारों में भीड़ लगाई जा रही है और जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ऐसे में लोगों का मानना है कि यहाँ पर कौन सा कोरोना आएगा। लेकिन एक प्रकार से ठीक भी है कि जिस क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा उस क्षेत्र में लोगों को पाबंदियों में रहना पड़ेगा, इसलिए सभी अभी से सावधान हो जाएं। आपको बता दें कि एक्साइज एक्ट जिसमें पकड़ा गया आरोपी एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव मिला। ये गाँव बनी का रहने वाला है। इसके बारे में पूरी पुष्टि और पूरी जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने की है। बताया जा रहा है कि 21 मई को पुलिस ने आरोपी को एक्साइज एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था और उसे एक बार के लिए जेल भी भेज दिया गया था। वहीं 22 मई को आरोपी को जमानत मिल गई थी, लेकिन पुलिस ने आरोपी का सैंपल लिया और उसके बाद आरोपी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। यह मरीज जिस वार्ड में रहता है उस वार्ड में लगभग 150 घर हैं, जिसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, जबकि पूरे गांव में बफर जोन घोषित किया गया है। आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन पूरी तरह से सील कर दिया जाता है, वहां पर पुलिस का पहरा रहता है। सीएमओ ने जानकारी देती है कि उक्त मरीज जेल के अंदर जिस बैरन में रहा उसमें रहने वाले व अन्य कैदियों के भी सैंपल लिए जाएंगे और जिस पुलिस कर्मचारी ने उसे पकड़ा था उसके लिए सैंपल भी जाँच के लिए भेजे जाएंगे। अब ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि पुलिस के पकड़े जाने से पहले वो कहां कहां गया था, इसका पता भी लगाया जाएगा। फिलहाल इसे नागरिक अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से ये विशेष रिपोर्ट। 2 दिन कोरोना फ्री रहने के बाद में सिरसा में एक और मरीज ने दस्तक दी है। ये मरीज बड़ी गांव से है, जिसे 21/5 को एक्साइज एक्ट में पुलिस ने पकड़ा था और पुलिस ने ही इसकी सैंपलिंग के लिए लेके आई SDGM इलाहाबाद के आदेश से। 21 तारीख को उसको जेल लेकर के गई और 22 को उसकी बेल हो गई। 22 तारीख को उसकी बेल हो गई। जेल में जिस बैरक में रहा और जिन पुलिस कर्मियों के साथ रहा उन सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं और बनी में पंचकुला मोहल्ला में ये रहता है और उस एरिया को जिसमें तकरीबन 150 घर है कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और पूरे बनी गांव को जिसमें तकरीबन 10,000 की पॉपुलेशन है उसे बफर जोन बना दिया गया है और बाकी के आज की इन्वेस्टिगेशन गांव में और जहां जहां से ये कॉन्टैक्ट मिला है और जहां पे ये रहा है उसको सभी को सैंपलिंग लिए जाएंगे। इसके आज बुला करके यहां पे उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और इसका इलाज किया जाएगा और आगामी कार्रवाई के बारे में हम बाद में आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद।